1 तारीख से टोल प्लाजा पर फास्टैग लागू हो जाएंगे, जिसके चलते सभी टोल प्लाजा के ऊपर फास्टैग बनवाने के लिए काउंटर लगाए गए हैं। सिरसा के भावदीन पर बने टोल प्लाजा पर 3 फास्टैग बनवाने के लिए काउंटर लगाए गए हैं, जो अलग अलग कंपनियों के अलग अलग बैंक के हैं। सरकार के इस फैसले को देखते हुए सभी काउंटरों पर भीड़ लग रही है। जिन लोगों ने पहले फास्टैग नहीं बनवाए हैं, वह लोग अब जल्दी से जल्दी फास्टैग बनवाना चाहते हैं। अक्सर देखा गया है कि जितना किसी काम में डिजिटलाइजेशन होता है, उतना ही रोजगार कम होता है, क्योंकि जितने ज़्यादा मशीनी काम होता है, उतनी ही मैन पावर कम लगती है। क्या अब यह फास्टैग सिस्टम लगने से बेरोजगारी बढ़ेगी? क्या अब कर्मचारी कम होंगे? इसी बात का पता लगाने के लिए जब जेजी न्यूज की टीम सिरसा के भागदीन टोल प्लाजा पर पहुंची, जहां पर देखा कि अभी तो 108 कर्मचारी वहां काम कर रहे हैं, लेकिन भविष्य में क्या इतने ही रहेंगे? और इसके अलावा टोल प्लाजा पर सरकारी मापदंड के हिसाब से क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए? जो स्थानीय वाहन है उनको कितनी रियायत मिलती है? और सरकारी मापदंड के हिसाब से इस टोल प्लाजा पर कितनी सुविधाएं मुहैया है? इस बारे में टोल प्लाजा के मैनेजर प्रवीण कुमार से बात की तो उन्होंने क्या कहा, आप भी देखिए। मेरा नाम प्रवीण कुमार और पवन चौधरी, एज ए मैनेजर पोस्ट पे हूँ मैं यहाँ पर मोहब्दीन टोल प्लाजा पे। फास्टैग गवर्नमेंट की एक प्रोजेक्ट है NHAI का, जिसका कॉन्ट्रैक्ट IHMCL को दिया गया है। उसने अदर बैंकों के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेस पर फास्टैग लगाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, और अपनी जो भी टोल प्लाजा हैं उनकी सारी फास्टैग लाइनें हो चुकी है। 1 दिसंबर से टोटल फास्टैग लाइन चालू हो जाएंगी, और अपने दिशा निर्देशानुसार अगर कोई भी कस्टमर फास्टैग लाइन में घुसता है तो पर्ची जो अपने टोकन करता है उस पर दिशा निर्देश है नीचे, उससे 2 गुना टोल वसूला जा सकता है। ये गवर्नमेंट का नियम है। अभी लिखित हमारे पास आदेश आया नहीं है, लेकिन ये आदेश आते ही इसकी अनुपालना की जाएगी। फास्टैग लगभग अपने यहाँ 25-30% कलेक्शन आता है फास्टैग का। गवर्नमेंट के उससे NHAI एक तो क्रेन सुविधा देती है, एम्बुलेंस सुविधा देती है, दोनों साइडों में टॉयलेट जो कैंटीन चलाते हैं उनके लिए प्रोवाइड किए जाते हैं, कैंटीन फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। जो कैंटीन यूज़ करता है उसके लिए टॉयलेट का रखरखाव का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। टोल प्लाजा के 108 कर्मचारियों का एग्रीमेंट होता है, 108 ही व्यक्ति काम करते हैं अपने। फास्टैग के लिए स्टोल लगवाई गई है गवर्नमेंट द्वारा, एज ए बैंकों द्वारा, जैसे PTM है, एयरटेल है, IHMCL है, इनकी 3 कंपनियों के स्टोल लगाई गई हैं। 3 स्टोल है, फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। ये क्या है, एक साथ में कस्टमर ज़्यादा आ जाते हैं तो उसमें टाइमिंग थोड़ी बहुत लगती है, कि एक साथ में कस्टमर ज़्यादा आ जाते हैं तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है लगाने में, 10-20 मिनट का। अभी तो हमारे पास में ऐसा कोई वो नहीं है, ये एग्रीमेंट होता है कॉन्ट्रैक्ट पर जब लिया जाता है टोल, तो हमारे पास अभी ऐसा कोई दिशा निर्देश नहीं है कि कर्मचारी कम किए जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। डिजिटल होगा तो उसके साथ कुछ इश्यूज बढ़ते हैं, तो उस हिसाब से कर्मचारी भी रखने पड़ते हैं। नहीं, अभी तो ऐसी कुछ कोई बेरोजगारी की नहीं है इसमें। एक तो आपके ट्रैफिक पे सुविधा होगी, जो गाड़ियाँ लाइन में कतार में खड़ी रहती हैं, गाड़ी स्टार्ट रहती है, डीजल जलता है, टाइम वेस्ट होता है, उसकी बचत होगी। सर इसमें नियम ये होता है, NHAI के दिशा निर्देश होते हैं जिसका गैजेट भी दिया जाता है, और प्रत्येक टोल बूथ पर रेट लिस्ट लगाई गई है। कॉमर्शियल व्हीकल जिसका स्टेट परमिट होता है, और कॉमर्शियल व्हीकल में उसके लिए 50% छूट होती है स्टेट परमिट पर, और जिसके पास में नेशनल परमिट होता है उससे फुल टोल वसूला जाता है। और रही लोकल की बात, तो लोकल हमारी जो रेंज होती है वो एक 20 किलोमीटर की होती है टोल प्लाजा से, उसके अंदर 265 रुपये का पर मंथली का पास बनाया जाता है। ये होता है लोकल के लिए सुविधा है, 265 रुपये के पास की। वो सर पिछली कंपनी ने क्या कैसे एडजस्ट किया, कुछ यहाँ क्या है, दंगा फसाद होने की वजह से लोकल का अधिकांश विवाद रहता है कि भाई ये है वो है, तो उसकी वजह से पिछली कंपनी ने क्या व्यवस्था रखी है क्या नहीं है उसकी हम नहीं बोल सकते, नहीं कर सकती। उनके ये अनऑथराइज था, गलत है। गवर्नमेंट के लिए जो रूल्स हैं वो फॉलो करना हमारा भी काम है और जनता का भी है।